हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी पैलेस हब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बिहार एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। चलिए फिर हम बात करते हैं पटना मेडिकल कॉलेज की, जो कि बिहार का सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसको हम पीएमसीएच से भी जानते हैं। और इस बार इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल का 615 जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा नीचे गिर गया है। एक्चुअली जो 50% रिजर्वेशन वाला जो रूल आया है एनएमसी ने जो दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरली जा सकता है 615 तक। ये कॉलेज जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1925 में। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और बेस्ट कॉलेज है, और इसमें जो सीट्स अवेलेबल है वो 180 है। एंड ये हुआ आपका कॉलेज, एंड ये हो गया आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसका इस बार कट ऑफ जनरली 610 से 620 के बीच जा सकता है। और ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है। और ये जो कॉलेज है ये एस्टेब्लिश हुआ था आपको 1983 में, एंड ये बहुत ही अच्छी कॉलेज है। और ये जो एफिलिएटेड है डीम्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर आपका कट ऑफ इसके बीच में रहा तो आप ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अवेलेबल है, सीट्स जो अवेलेबल है वो है 120 सीट। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। अगर आपका कट ऑफ इस मतलब रेंज में रहा तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका कॉलेज है, देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा कॉलेज है। एंड इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। एंड ये हो गया आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरली 618 तक जा सकता है। और ये कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो वो 120 अवेलेबल है। एंड एफिलिएटेड जो है ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से है। एंड ये बहुत डिमांडिंग कॉलेज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जिसको हम डीएमसीएच से भी जानते हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर आपका कट ऑफ इस रेंज में रहता है तो आप इसमें इजीली अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड बहुत बेस्ट कॉलेज है। इसमें आपका जो भी वर्कलोड होगा वो भी बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस वगैरह सब आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें। सो ये भी बेस्ट कॉलेज है। एंड ये आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है ये। एंड ये हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये भी बेस्ट कॉलेज है बिहार का। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार 618 से 616 के बीच ही रहेगा। एंड एस्टेब्लिश जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। एंड इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो 120 सीट अवेलेबल है। एंड आपको एफिलिएटेड है ये भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। एंड बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, भागलपुर में ये लोकेटेड है। एंड इसमें अगर आपका इस रेंज में कट ऑफ रहता है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है ये भी, एंड बेस्ट कॉलेज है बिहार का। सो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपका नीट में इसमें कट ऑफ रहा तो। ये आपका कॉलेज हुआ, बहुत प्यारा कॉलेज है, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है। एंड ये हो गया आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 606 तक जा सकती है। एंड ये जो कॉलेज है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2020 में। अभी हाल ही में आया है। एंड नंबर ऑफ सीट्स जो इसमें अवेलेबल है वो 100 है। एफिलिएटेड है ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, ये प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका अगर नीट में इस रेंज में जनरली इस रेंज में मार्क्स है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, सो डिमांडिंग भी है बहुत ज़्यादा। मधेपुरा में ये लोकेटेड है, बिहार के मधेपुरा में। एंड ये जो कॉलेज हुआ ये आपका कॉलेज हुआ, कुछ कॉलेज का पिक्स मैंने डाल रखा है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा कॉलेज है। एंड ये हो गया आपका बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नालंदा में है ये। इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 618 से 620 के बीच में रहेगा, अप्रॉक्स इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2011 में। ये भी नया कॉलेज है, बहुत बेस्ट कॉलेज है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है 120 है अवेलेबल। एंड ये एफिलिएटेड हुआ था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, ये भी प्रॉपर गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है। एंड बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। एंड हॉस्पिटल भी बहुत प्यारा है ये, एंड बहुत ही अच्छा है हॉस्पिटल भी, प्यारा इन द सेंस ऑफ लाइक बहुत अच्छा है हॉस्पिटल भी। आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके कॉलेज का पिक हुआ बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, बहुत कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। एंड ये हो गया आपका श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 616 से 620 के अप्रॉक्स जाएगी। एंड ये कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, बहुत ही पुराना कॉलेज है ये। और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, एफिलिएटेड ये भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से ही है। एंड इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो 120 सीट अवेलेबल है। और बहुत ही बेस्ट कॉलेज है ये, मुजफ्फरपुर में 0 माइल
के पास है ये, मतलब कि बहुत अच्छा कॉलेज है ये। इसका नेम जो है SKMCH से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। एंड इस कॉलेज में अगर आपका इस रेंज में मार्क्स है तो एडमिशन ईजिली हो जाएगा आपका। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है एंड बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो गया आपका अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गया में है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 625 से 635 तक अप्रॉक्स इतना जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं 120 है एंड एस्टेब्लिश 1970 में हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज है ये भी। एंड ये जो है एफिलिएटेड ये भी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज है। कि बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज भी होता है। ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है बिहार का। अगर आपका इस रेंज में मार्क्स होता है तो इसमें आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा। सो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें तो आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका काउंसलिंग डेट 27 से 28 तक हो जाए, 27 से 28 सितंबर तक। सो, प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिएगा। ये आपका कॉलेज हुआ, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है ये। एंड ये हो गया आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि बेतिया में है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो 615 से 620 के बीच में रहेगा, मे बी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ये 2008 में इसकी, और बहुत ही बेस्ट कॉलेज है ये। काफ़ी नई है लेकिन बहुत ही अच्छी कॉलेज है। एंड नंबर ऑफ सीट्स इसमें 120 है, 120 जो है मतलब सीट्स अवेलेबल है इसमें। एफिलिएटेड है ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, ये भी प्रॉपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपका इस रेंज में मार्क्स है तो। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कॉलेज अब काफ़ी बेस्ट है, सो आप एडमिशन ले सकते हैं ईजिली। ये आपका कॉलेज हो गया एंड ये हो गया आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 622 से 625 के बीच में जाएगी। एंड ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है पटना का, बिहार का। एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1970 में, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड नंबर ऑफ सीट्स जो है इसमें अवेलेबल है 120। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका इस रेंज में मार्क्स रहा जनरल का, जो भी जनरल कैटेगरी में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एफिलिएटेड हुआ था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से और ये प्रॉपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। काफ़ी अच्छा कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है और इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। सो, अगर पेशेंट ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। एंड ये आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज का कुछ पिक्स है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़।